अपने हाथ को स्ट्रेच करें और अपने उंगली को देखें। सबसे पहले आप बाईं आंख को बंद करें और दाहिनी आंख से उस उंगली को देखें। फिर आप अपने दाहिनी आंख को बंद करें और सिर्फ बाईं आंख से उस उंगली को देखें। आप ये पाएंगे कि आपकी उंगली बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में शिफ्ट कर रहा है। इसे पैरालैक्स कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके दोनों आंखों के बीच एक डिस्टेंस है। जब भी आप किसी एक आंख से एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो बैकग्राउंड में एक पोजीशन के साथ मर्ज करता है, लेकिन जब आप दूसरी आंख से उसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो एक दूसरा एंगल बनाता है उस ऑब्जेक्ट के साथ, और बैकग्राउंड में किसी दूसरे जगह पे जाके वो कोइंसाइड करता है। इसीलिए आपको लगता है कि आपकी उंगली शिफ्ट कर रहा है अपना पोजीशन। इसी मेथड से हम ये पता लगाते हैं कि कोई नियर बाय स्टार या फिर हमारे सोलर सिस्टम के कोई प्लैनेट हमसे कितना डिस्टेंस दूर है। तो फिर चलिए देखते हैं कि इसके लिए हम पैरेलेक्स को किस तरह से यूज करते हैं। बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो। बस सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर इनेबलिंग ट्यूटर्स टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स इन रियल टाइम। क्विक एक्सेस टू मैनेज एनरोल्ड स्टूडेंट्स। ऑल योर क्लासरूम टूल्स इन वन प्लेस। शेयर असाइनमेंट्स इन अ क्लिक। इंडियाज नंबर वन टीचिंग ऐप टीचमेंट। आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। तो मान ले कि ये है अर्थ का सरफेस और दो ऑब्जर्वेटरी है। दो ऑब्जर्वेटरी, एक यहां पर और दूसरा है यहां पर। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है बी। ये नोन है, हमें पता है दो ऑब्जर्वेटरीज के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब हम एक प्लैनेट का डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं। वो प्लैनेट फॉर एग्जांपल यहां पर है। जब पहले ऑब्जर्वेटरी से इसे देखा गया तो ये कुछ इस डायरेक्शन में, इस लाइन ऑफ साइट में था। दूसरे ऑब्जर्वेटरी से जब देखा गया तो ये इस लाइन ऑफ साइट में था, और दोनों के बीच जो एंगल है, जो एंगल बन रहा है, वो एंगल पाया गया कि ये एंगल है थीटा। हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इस प्लैनेट का, ये डिस्टेंस है कैपिटल डी। इसी को हमें पता लगाना है। अब यहां पर देखिए, ये जो D है ये B के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होगा। सो D जो है, D ये B से काफी काफी बड़ा होगा। इसी के कारण हम ये मान सकते हैं कि इस D को अगर हम रेडियस बना के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, तो ये जो है ये बनेगा उस सर्कल का एक आर्क। ये जो है ये ऐसा एक आर्क बनेगा। चूंकि डी बी से बहुत बड़ा है, तो ये जो बी है और ये जो आर्क लेंथ है, लेट अस से द आर्क लेंथ इज एल, ये दोनों लगभग लगभग बराबर होंगे। सो एल इज नियरली इक्वल टू बी। ये डी जितना ज्यादा बड़ा होगा बी से, इन दोनों का इक्वल होने का जो टेंडेंसी है वो उतना ज्यादा होगा। एल बी के उतना क्लोज आते जाएगा। अब इस फिगर से हम कह सकते हैं कि थीटा दैट इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय डी। चूंकि एल बी के बहुत क्लोज है तो हम ये कह सकते हैं दैट इज बी डिवाइडेड बाय डी। यही थीटा का डेफिनेशन है। यहां पर थीटा को जो मेजर किया जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा ये रेडियन में होगा। तो फिर हम यहीं से आगे कह सकते हैं कि डी जो है, डी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय थीटा। मैं फिर से बता दूं, थीटा को मेजर किया जाएगा रेडियन में, और ये थीटा जो है ये एक बहुत ही छोटा वैल्यू होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस से बहुत बहुत दूर है। तो ये है रिक्वायर्ड फॉर्मूला जिससे कि हम एक प्लैनेट का, सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट का
डिस्टेंस मेजर करते हैं आज से। ये तो है पहला मुद्दा, फर्स्ट, कि हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। सेकंड मुद्दा ये है कि ये जो भी प्लैनेट है इसका डायमीटर को हम कैसे मेजर करते हैं। तो वंस अगेन, एक बार फिर, ये हो गया अर्थ का सरफेस, यहां पर है ये प्लैनेट, इसका हमें डायमीटर पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। सो ये है वो प्लैनेट, अब इसका जो डायमीटर है ये डायमीटर इतना है, इस डिस्टेंस को हमें मेजर करना है, डायमीटर इस डी टी को मेजर करना है। अब यहाँ पर है ऑब्जर्वेटरी, एक ही ऑब्जर्वेटरी से अब हम मेजर कर सकते हैं इसका डायमीटर, क्योंकि जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से इस प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो कैपिटल डी है वो हमने यहां से पता लगा लिया इस फॉर्मूला से। तो अब देखिए यहां से हम ये पाते हैं कि ये जो प्लैनेट है ये जितना इसका जितना एंगुलर डायमीटर है, जितना एंगल ये सबटेंड कर रहा है इस ऑब्जर्वेटरी में, लेट से कि वो एंगल जो है वो एंगल फाई है, ये हम मेजर कर सकते हैं बड़े आसानी से। और डी जो है, जो डिस्टेंस है, ये हमने इससे पहले मेजर कर लिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं जो स्मॉल लेटर डी होगा उसे हम आर्क लेंथ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि जो फाई है, फाई इज इक्वल टू स्मॉल लेटर डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। हेंस जो स्मॉल लेटर डी होगा, जो कि डायमीटर होगा इस प्लैनेट का, दैट इज इक्वल टू फाई कैपिटल डी। सो अब ये दूसरा फॉर्मूला है जिसे कि हम यूज करते हुए ये पता कर सकते हैं कि उस प्लैनेट का डायमीटर कितना है। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया है एनसीईआरटी से और ये एग्जांपल 2.3 है। इस सवाल में कहा गया कि मून को ऑब्जर्व किया गया दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए और बी से, जो कि अर्थ में है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। तो मान ले कि ये है अर्थ और दो पॉइंट्स ए और बी, पॉइंट ए यहां पर तो पॉइंट बी बिल्कुल अपोजिट साइड में होगा, ये है पॉइंट बी, ए और बी, ऐसा कि अगर आप ए और बी को जोड़ दे तो आपको मिलेगा अर्थ का डायमीटर। यहां से आप जोड़ दे तो ये हो जाएगा अर्थ का डायमीटर।